चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो गया था ना ठीक है एक पहला लेक्चर हम अपलोड किए हैं ठीक है ना ऐसे डेली अपलोड ही करेंगे ठीक है लाइव भी जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है नहीं है नहीं आया क्या अभी तक ध्यान दोगे स्टार्ट करते हैं हम लोग का लेक्चर तो लास्ट लेक्चर में हम लोग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंप्लीट कर चुके थे ठीक है ना आज हम लोग कुछ कुछ चीजें जो है यहां पे कुछ कुछ चीजें समझेंगे तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे गैल्वेनिक सेल क्या होता है व्हाट इज गैल्वेनिक सेल ध्यान दीजिएगा यहां पे समझो गैल्वेनिक सेल क्या होता है ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जिंक सल्फेट है और इसके अंदर में इलेक्ट्रोड है ठीक है इसमें कौन सा है यहां कॉपर सल्फेट है ये आपका जिंक है और ये वाला क्या है कॉपर है इसको आपने वायरिंग कर दिया है ध्यान दीजिएगा तो होता क्या है कि जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है गेन करता है समझ पा रहे हो बात को यही रिएक्शन होता है तो इसको हम लोग कौन सा सेल बोलते थे डेनियल सेल बोलते थे लेकिन इसी डेनियल सेल में अगर हम लोग इसका मोलैरिटी वन मोलर कर दें कितना कर दे वन मोलर कर दे जेड एन एसओ फोर का कंसंट्रेशन और कॉपर सल्फेट का भी कंसंट्रेशन कितना कर दे बोलो वन मोलर कर दे कॉपर सल्फेट भी कितना कर दे वन मोलर कर दे समझ पा रहे हो कॉपर सल्फेट वन मोलर जिंक सल्फेट भी वन मोलर कर दे और इसका सेल पोटेंशियल जो है सेल पोटेंशियल ये 1.1 पॉइंट वोल्ट के बराबर अगर हो जाए कितना के बराबर हो जाए 1.1 पॉइंट वोल्ट के बराबर हो जाए कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाए सेम यही चीज हो तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं इसको हम लोग कहते हैं गैलवेनिक सेल क्या बोलते हैं गैलवेनिक सेल यानी डेनियल सेल ही का एक रूप है बस स्टैंडर्ड कुछ चीजें हो जा रही हैं कंसंट्रेशन वन मोलर हो जा रहा है और सेल का पोटेंशियल कितना हो जा रहा है वन पॉइंट वन वोल्ट यानी द सेल ऑफ रिएक्शन कौन सा रिएक्शन यही वाला जिंक से क्या हो जा रहा है बोलो जिंक से जेड टू प्लस हो जा रहा है और बोलो कॉपर से क्या हो जा रहा है कॉपर हो जा रहा है द सेल ऑफ रिएक्शन दिस इन विच कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स बिकम कितना बिकम वन मोलर एंड एंड सेल पोटेंशियल कितना हो जा रहा है सेल्फ पोटेंशियल बोलो वन पॉइंट वन वोल्ट कॉल्ड क्या कहेंगे बोलो कहेंगे गैल्वेनिक सेल कौन सा सेल बोल देंगे गैल्वेनिक सेल कोई दिक्कत यहां पे समझने में क्या बोलेंगे गैल्वेनिक सेल कोई दिक्कत अच्छा एक चीज हमको याद आया है कुछ चीजें आप लोगों में हम देखे हैं तो हम आपको बता रहे हैं ठीक है ना बहुत ही सीरियस कंसर्न है ठीक है ना क्या हम आज देखे हैं आपका इलेक्ट्रिक पोल है ठीक है और इलेक्ट्रिक पोल जो होता है वो काफी ज्यादा क्या होता है बरसात के दिन में बोलो हाईली सेंसिटिव होता है हाईली क्या होता है सेंसिटिव होता है इलेक्ट्रिक पोल का खंबा ठीक है ना एक खंबा है कैसा भी खंबा है उसको पकड़ के आप पार मत करिएगा नहीं तो स्वर्गवास होने में समय नहीं लगेगा गन से लगेगा और सीधे आदमी जमीन पे समझ पा रहे हो बात को तो कभी भी खंबा उम्बा पकड़ के जो है रोड रोड क्रॉस मत करिएगा जाड़ा वड़ा के दिन में पानी वानी लग जाता है तो लड़का लोग तो खैर वो पानी में तैर के निकल जाता है लड़की लोग थोड़ा तो सा नजाकत के साथ जाती है तो खंबा उम्बा पकड़ के पार होने का कोशिश में रहती है तो अगर खंभा पकड़े तो कहां चले जाइएगा स्वर्गम है कि नहीं हाँ क्या हाँ समझे तो बड़ा खतरनाक मसला है ध्यान दीजिएगा तो इसको थोड़ा सा समझ के रहिएगा ठीक है ना कभी भी बरसात का दिन चल रहा है और बरसात एक और चीज बरसात के दिन में बहुत लोग जो है एब्सेंट होने का बड़ा शौक चढ़ा रहता है तो ये सब मत करिएगा रेनकोट वगैरह ले लीजिएगा ठीक है ना क्लास जो है वो बरसात के वजह से बंद नहीं होगा ऑलरेडी बकरीद का जो है तीन दिन छुट्टी था है कि नहीं बकरीद का तीन दिन छुट्टी था है? बताओ दावत तो हम लेंगे जिस दिन रिजल्ट का डे होगा है कि नहीं? रिजल्ट का डे का दावत होगा जो एग्जाम देगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा जो एग्जाम नहीं दिया है गोरखपुर गया उसके लिए जो है अजीम आजाब रखा हुआ है है कि नहीं तुम लोग का तो कोई दिक्कत नहीं है इतना एनर्जी तुम लोग के अंदर में क्यों कम है एकदम ऐसा लग रहा बुड्ढा बुढ्ढी आकर के यहाँ पे क्लास में बैठा हुआ थोड़ा तो सा टाइट बैठो थोड़ा तो सा मोटिवेशन लाओ अपने अंदर में क्या कर रहे हो कोई मोटिवेशन नहीं ढीला पड़े हुए हैं खाने को ठीक से नहीं मिला है तीन दिन से ब्रेकफास्ट मटन लंच मटन डिनर मटन इतना मटन खाने के बावजूद भी ऐसे ढीला हो करके बैठे हुए है कि नहीं सुबह मतलब कि कलेजी कलेजी गुर्दा से शुरू होता है आ गोड़ी नेहारी और सीरा पे जो है खत्म हो रहा है मामला है कि नहीं आ लड़की लोग का तो गजबे है एकदम तो। आ दो दिन पहले जो है लड़की का क्या ना खसी का नाम जो है कभी शेरू पड़ रहा था कभी कभी जीसु पढ़ रहा था कभी कुछ सेल्फी वेल्फी लिया जा रहा था अजहिया कटाओ दिन रोई है अब पापा ला के यही लोग कलेजी भूनो खुद भी खाओ दूसरों को भी खुना खटा खट खटाखट एकदम भुजा रहा है तला रहा है खा रहे हैं एकदम है कि नहीं बताओ चलो तो सेल पोटेंशियल बाबू कितना है वन पॉइंट वन वोल्ट है गैल्वेनिक सेल है ध्यान दीजिएगा अगला ध्यान दीजिएगा समझिएगा नेक्स्ट हमारा है ये तो गैल्वेनिक सेल हो गया ध्यान दोगे अगला रेडॉक्स कपल नेक्स्ट क्या है रेडॉक्स कपल रेडॉक्स कपल क्या होता है इसको जरा सा समझिएगा ध्यान दोगे रेडॉक्स कपल होता क्या है इसको जरा सा समझो ध्यान दोगे ये एक रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है आपको पता है जिंक है ना और ये क्या है जिंक सल्फेट तो क्या हो रहा था जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था क्या लॉस कर रहा था इलेक्ट्रॉन तो इसको हम लोग बोलते थे ऑक्सीडेशन क्या बोलते थे ऑक्सीडेशन ये कहां हो रहा था एनोड पे हो रहा था कहां पे हो रहा था एनोड पे और यहां पे कौन था कॉपर था तो कॉपर क्या कर रहा था इलेक्ट्रॉन ये कैच कर रहा था कॉपर तो इसको हम लोग क्या बोलते थे इसको हम लोग रिडक्शन बोलते थे क्या बोलते थे रिडक्शन तो ये ऑक्सीडेशन है ये क्या है रिडक्शन है तो एक हाफ आपका ऑक्सीडेशन होता है एक हाफ क्या होता है रिडक्शन होता है इन दोनों को इकट्ठा हम लोग क्या कहते हैं रेडॉक्स कपल बोलते क्या बोलते हैं रेडॉक्स कपल री का मतलब होता है रिडक्शन ऑक्स का मतलब क्या होता है ऑक्सीडेशन अ कपल का मतलब होता है जोड़ा ठीक है तो इसी को क्या बोलेंगे रेडॉक्स कपल यानी द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन कॉल्ड क्या कह देंगे रेडॉक्स कपल क्या कहेंगे रेडॉक्स कपल आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको जरा सा समझना है. ध्यान दोगे पोटेंशियल डिफरेंस पता है आपको क्या होता है उसको जो ओपन कर लो ये वो क्लास भी खोल दो ध्यान दोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रेडॉक्स कपल तो बता दिए नेक्स्ट क्या हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ध्यान दीजिएगा होता क्या है कि मान लीजिए आपको वाटर फॉल का वाटर फॉल देखना है तो ये पानी है तो पानी का जंप हमेशा कहां से कहां के तरफ होगा ऊंचाई से नीचाई के तरफ होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे बोलो वाटर का फ्लो होगा इसी को क्या कहेंगे वाटर का फ्लो ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं हाई पोटेंशियल बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं हाई पोटेंशियल जहां पे पानी गिर रहा नीचे पॉइंट को क्या बोलेंगे लो पोटेंशियल और इसी दोनों पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस रहता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पोटेंशियल बोलो डिफरेंस क्या बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ये पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा पानी का फ्लो क्या होगा उतना ही तेजी में गिरेगा जैसे मिसाल के तौर पे आप ग्राउंड फ्लोर में रह रहे हो और टंकी पांच तल्ला पे है तो ग्राउंड फ्लोर वाले को पानी कैसे आएगा पूरा बहुत जोरदार पानी आएगा और वही सबसे टॉप फ्लोर पे रहने वाले को पानी का फ्लो कैसा रहता है काफी स्लो होता है तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो पानी का फ्लो जो है वो हल्का महसूस होगा नीचे आओगे तो पानी का फ्लो ज्यादा महसूस होगा जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा पानी का फ्लो क्या होगा ज्यादा आपको मिलेगा यानी पानी के नीचे यहां खड़े हो जाओगे झरना है और यहां खड़े हो गए तो काफी जोर से चोट भी लग सकता है आपको समझ पा रहे हो बात को तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा आपको क्या मिलेगा फ्लो मिलेगा पानी का समझ पा रहे हो ठीक उसी तरीके से करंट के अंदर में भी यही होता है कि मान लो ये आपका घर है ये ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर से 220 वोल्ट का करंट आप लेके आए कहां पे? घर पे और घर पे आपने किससे जोड़ दिया बोलो अर्थिंग कर दिया तो ये लो पोटेंशियल होता है क्या होता है लो पोटेंशियल और ये क्या होगा आपका हाई पोटेंशियल तभी क्या होगा आपका तभी करंट का फ्लो होगा समझ पा रहे हो अगर यहां पे भी आपने 220 सौ वोल्ट ही रख दिया है तो करंट का फ्लो नहीं होगा सौ वोल्ट रख दिया तो करंट का फ्लो होगा लेकिन उतना जोरदार नहीं होगा यहां इसका पोटेंशियल जीरो होता है और इसका कितना होता है दो सौ बीस तो पूरा दो सौ बीस वोल्ट का क्या मिलेगा आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तो करंट भी क्या होगा करंट भी बड़ी आसानी से आपका फ्लो होगा तो यहां से यहां के बीच में जो वोल्टेज का जो डिफरेंस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इसको यहां पे पोटेंशियल बोलो डिफरेंस बोलते हैं या फिर सिंपली डिफरेंस बोलेंगे पोटेंशियल बोलेंगे सिंपली क्या बोलेंगे पोटेंशियल ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल क्या होता है इसको जरा सा समझना ध्यान दोगे आपने इलेक्ट्रॉड रखा है क्या रख दिया है ये इलेक्ट्रोलाइट है क्या है इलेक्ट्रो लाइट और इसमें आपने क्या रख दिया है बोलो इसमें इलेक्ट्रोड रख दिया है क्या रख दिया है इलेक्ट्रोड तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं क्या बोलते हैं यानी इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा यह पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा उसको क्या बोलेंगे बोलो इलेक्ट्रोड बोलो पोटेंशियल बोलेंगे क्या बोल देंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ध्यान दीजिएगा द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोलो इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट कॉल्ड क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोड बोलो पोटेंशियल क्या बोल देंगे बाबू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में कोई दिक्कत बोलिएगा कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में कोई प्रॉब्लम ठीक है अब अगला क्या है अगला है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है इसको समझेंगे ध्यान दोगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको जरा सा समझिएगा ध्यान दीजिएगा इसको समझना है हम लोगों को ध्यान देना है देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है इसको जरा सा समझना देखो सेम वही चीज है क्या है बोलो इलेक्ट्रोलाइट है है इलेक्ट्रोलाइट है और ये जो रॉड लगा इसको क्या बोलेंगे बोलो इलेक्ट्रोड बोलेंगे तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोड एले, पोटेंशियल बोलते हैं अब स्टैंडर्ड एक शब्द रख दिया गया है क्या रख दिया गया है स्टैंडर्ड अब स्टैंडर्ड का मतलब एक मैार आप फिक्स किए होंगे जैसे मेरा स्टैंडर्ड या आपका मान लीजिए आप किसी का स्टैंडर्ड है कि भाई हम पिएंगे चाय तो बढ़िया रेस्टोरेंट में बैठ करके जो है चाय पिएंगे ए वाला में नहीं तो नहीं पिएंगे बहुत लोग का स्टैंडर्ड जो आपके स्टैंडर्ड से क्या होगा नीचे होगा कि रामराज मोड़ पे हनुमान चाय दुकान पे जो है बैठ करके जो है पी रहे हैं वहाँ आप भी पी रहे हैं नीचे जो है कुकुर भी आपको चाय में बिस्कुट डिबा करके देखते हुए आपको जो है ललचा रहा है लास्ट वाला पीस प्लीज हमको देना है है कि नहीं आपका स्टैंडर्ड कहां है बढ़िया रेस्टोरेंट में चाय पीने का तो क्या है एक स्टैंडर्ड होता मैार अपने आप क्या कर दे फिक्स कर देते तो यहां पे जो है कुछ मयार फिक्स कर दिया गया क्या फिक्स किया गया है तो भाई इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंसंट्रेशन कितना फिक्स किया जाएगा वन मोलर फिक्स किया जाएगा क्या फिक्स किया जाएगा वन मोलर फिक्स किया जाएगा दूसरा टेम्परेचर जो है 298 नाइंटी फिक्स होगा टेम्परेचर कितना फिक्स होगा 298 और प्रेशर कितना फिक्स हो जाएगा 1 एटीएम प्रेशर भी क्या होगा सेट कर दोगे तब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ पा रहे हो बात को तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलो बिटवीन किसके किसके बिटवीन बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट एट टू केल्विन एट एंड वन एटीएम प्रेशर एम द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बींग कितना बींग वन मोलर कॉल्ड क्या कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे कोई दिक्कत यहां पे समझने में बोलो अगला टर्म हम लोग समझेंगे अगला है सेल पोटेंशियल अगला क्या है सेल पोटेंशियल सेल का ताकत ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्या है सेल पोटेंशियल लग रहा है मानसून आ चुका है है कि नहीं आ? ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मानसून आ चुका है देखो असली मानसून है ऐसे तो कल पानी तो झमाझम ज़म बरसा है और लाइटें काट दिया था हाँ फिर गर्मी में आदमी को सोना पड़ गया है ये क्या है फ्लावर बना ली हो कुछराई करते रहना है ए बताओ चलो ध्यान दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं मत हंसो है हंस रही हो तुम लोग वो तो चलो बना वो तो कुछ तो बना रही है बना के कुछ तो दिखा रही है कुछ लोग का तो बिरयानी का बन रहा है आ जो है वो उ... बकरीद भी पास हो रहा है धीरे धीरे है कि नहीं हम पूछेंगे कुछ फ्री उ में मिलेगा तो जवाब आ रहा है कि हम बिल्कुल मिलेगा तीन डिब्बा खरीदने पे एक डिब्बा मुफ्त ये कौन सा बात हुआ भाई फ्री के लिए, फ्री भी लेने के लिए क्या देना पड़ रहा है पैसा देना पड़ रहा है है कि नहीं काची हाँ हाँ अच्छा वहीं हमको खड़ा रहना होगा ना घात लगा के कि तीन गोए सुनिए इधर आपको भी चाहिए आपको भी चाहिए आपको तीनों आदमी का पैसा लेकर के तीन गो बिरयानी दीजिए है कि नहीं तीन गो सबको एक एक दो दे देंगे एक जो एक्स्ट्रा मिलेगा मेरा वाह दलाली का पहला चरण इसी को तो दलाली कहते हैं बताओ ऐ दलाली कैरियर अगर स्टार्ट करना वहां खड़ा है बड़ा बड़ा बढ़िया आइडिया दिया है? देखे, पत्थर मारते 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 अब लग रहा फल जो है सही जगह गिर रहा था है कि नहीं बस तो एक धक्का और दो जाके खाने तक आ चुका है मामला यानी थोड़ा सा और पकाएंगे तो है? घर पे आके कहीं गिर जाए है कि नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं है हम चेक कर रहे थे कि आ, आ, मतलब हैं कहाँ तक हम <laughs> अभी मत दिलवा देना अभी ऑलरेडी जो है फ्रिज में पूरा भरा हुआ है मटन भी बनता है हम खाए हुए हैं तभी तो ना बोल रहे हैं हाँ चलो ध्यान देना यहां पे समझना सेल पोटेंशियल ध्यान दोगे सेल पोटेंशियल क्या होता है इसको जरा सा समझना देखो ये आपका एनॉड है और ये वाला पोर्शन क्या है आपका बोलो ये वाला पोर्शन आपका कैथोड है वायरिंग कर दिए पोटेंशियल तो डिफरेंस जो होगा किसका पोटेंशियल डिफरेंस कैथोड और एनोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सेल पोटेंशियल बोलते हैं क्या बोलेंगे सेल पोटेंशियल ध्यान दीजिएगा द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोलो कैथोड एंड एनोड कॉल्ड क्या कहेंगे उसको कॉल्ड सेल पोटेंशियल कोई दिक्कत यहां पे क्या बोलेंगे तो सेल पोटेंशियल जो होता कुछ ऐसा होता है सेल पोटेंशियल को ई e सेल बोलते हैं सेल पोटेंशियल को क्या बोलते हैं ई सेल बोलते हैं समझ पा रहे हो बात को और ई e सेल का जो फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनॉड समझ पा रहे हो ये आपका कैथोड का पोटेंशियल हो जाएगा और ये वाला एनोड का पोटेंशियल हो जाएगा समझ पा रहे हो बात को दिक्कत आगे बढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा अगला है ईएमएफ अगला टॉपिक क्या है ईएमएफ 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 का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स बोलते हैं क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नया नया जब आप बैटरी लेकर के आते हो बिल्कुल नया नया एकदम उसमें अभी तक जो है इस्तेमाल वायरिंग वगैरह नहीं किए हो तो नया बैटरी का जो पोटेंशियल होता है वही कैथोड माइनस एनोड जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड व्हेन नो करंट इज ड्रॉन जब उसमें से आपने एक भी करंट निकाला नहीं एकदम फ्रेश है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर ई एम एफ बोलते हैं समझ पा रहे हो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किसके बिटवीन बोलो कैथोड एंड एनॉड व्हेन नो करेंट इज बोलो ड्रॉन कॉल्ड बोलो ई एम एफ क्या बोलेंगे ई एम एफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे कोई दिक्कत यहां पे कोई प्रॉब्लम ठीक है तो एक काम करिए सारे टर्म्स को एक एक करके क्या कर लेने का है एक एक करके लिखने का है ठीक है आ, कहां से स्टार्ट हो गए यहां से लिखना है ना चलो इसको लिख लीजिए